मुरैना जिले के जोरा जनपद शिक्षा केंद्र में कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और जिलाधीश मुरैना श्रीमती प्रियंका दास के निर्देश पर सभी आमजनों को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। जनपद शिक्षा केंद्र जोरा में खंड स्त्रोत समन्वयक मुन्ना लाल यादव के साथ उप यंत्री बीएल अग्रवाल आरसी अग्रवाल ने आमजन को समझाया कि इस महामारी से बचाव ही बेहतर उपचार है। बचाव के तहत दिन में ज्यादा से ज्यादा बार साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और आवश्यकता अनुसार मास्क का प्रयोग करने और करवाने की शपथ ली। प्रधानमंत्री जी की अपील 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू लगाकर प्रातः 7 बजे से शाम 9 बजे तक अपने घर से न निकलने की शपथ ली है एवं 5 बजे इस महामारी से बचाव में लगी टीम के प्रोत्साहन के लिए अपने दरवाजे पर बालकड़ी में खड़े होकर घंटी बजाकर, शंख बजाकर, थाली बजाकर प्रोत्साहन करने का वचन लिया। जोरा से अंकुश मंगल की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के वासियों को जो अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है, 22 मार्च रविवार को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाना है। उसका सीधा सीधा सा संदेश देना है कि बेहतर उपचार बचाव ही हो सकता है और इसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने सरकारी कर्मचारी होने के दायित्व को पूरा करेंगे। जनपद शिक्षा केंद्र जोरा पर श्रीमान बीआरसी महोदय परम सम्मानित श्री एमएल यादव जी ने हम सभी सीएसी बीएसी एवं कार्यालयीन स्टाफ को आज मीटिंग आयोजित करके यहां कार्यालय में बुलाया और कोरोना वायरस के संबंध में प्रशासन शासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हम सभी लोग अपने शासकीय कर्तव्य के साथ साथ मानवीय कर्तव्य का भी पालन करेंगे और राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। शाम को प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था, उसके बाद ही हम सभी कार्यालय के स्टाफ ने ये सोचा कि हम भी कोरोना वायरस के खिलाफ सब मिलकर लड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सभी लोग अपने घर पर रहें। हम सब उस दिन सब अपने घर पर रहेंगे और लोगों को समझाएंगे कि कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित हैं तो हम सभी लोगों को घर घर जाकर समझाएंगे कि इस वायरस से लड़ने के लिए अपन को हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, हर 2 घंटे में हाथ धोते रहें और इस काम में जितने भी अपने अस्पताल के कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हमें 22 तारीख को 5 बजे उनका उस सब अदन के लिए हमें तालियां या थालियां बजानी है अपने छत पर या गेट पर। तो हम सभी अपने घर मोहल्ले गांव जहां भी होंगे सभी लोगों को समझाए देंगे और कोरोना वायरस के खिलाफ सब लोग मिलकर एकजुट प्रधानमंत्री जी के साथ लड़के मिलेंगे कर रहे हैं। वायरस से उत्पन्न महामारी से लड़ने के लिए आज जनपद शिक्षा केंद्र जोरा पर माननीय जिलाधीश महोदया श्रीमती प्रियंका दास जी के दिए गए निर्देशों के अनुसार आज समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की जनपद शिक्षा केंद्र जोरा पर एक बैठक आयोजित की गई और इससे लड़ने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए समस्त फील्ड के कर्मचारियों सीएसी बीएसी एमआरसी
एवं समाज संहारक जितने भी कर्मचारी हैं सबको शपथ दिलाई गई और उनको समझाया गया कि आज सारा विश्व इस महामारी की वजह से जिस भयावहता में है उसको हराने के लिए हमें जागरूकता समाज में फैलानी होगी, लोगों को समझाना होगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसे हराने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो हमें निर्देश दे रहे हैं उनको हमें फील्ड में लागू करवाना है, सबको समझाना है। आज जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनका एक कर्तव्य बनता है कि आज सारा देश इस लड़ाई को लड़ रहा है, आज हमें सबके साथ इस लड़ाई को लड़ना है और अपने देशभक्ति का परिचय देना है। आज हमें अपने सरकारी कर्मचारी होने के दायित्व का निर्वहन करना है, हमको जिस प्रकार से सीमा पर प्रहरी देश की रक्षा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज इस महामारी से लड़ने के लिए हमें भी अपनी देश सेवा की जो हमारी भावना है उसको प्रदर्शित करना है, जागृत करना है और देशभक्ति का प्रमाण देना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को